यूपी SSSC आयोग ने छात्रों को बहुत बड़ा मौका दिया है। जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट यूपी SSSC आयोग से आ चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से उन छात्रों को मौका मिल चुका है जिन्हें इंतज़ार भी था कि शायद मौका मिल जाए तो इस बार हम अपना अच्छा करेंगे और हम फिर से सरकारी नौकरी पा सकेंगे। तो इन छात्रों को मौका दिया गया है योगी सरकार की तरफ से, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर 1953 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी उसकी जो परीक्षा है वो फिर से कराने का उन्हें निर्णय लिया है। ये भर्ती परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी। छात्र परेशान भी थे कि कभी परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो अब ये परीक्षाएं होनी जा रही हैं। कौन कौन सी इसमें भर्तियां शामिल हैं हम आपको सब बता देते हैं, देख लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, पर्यवेक्षक के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निरस्त हुई थी वो पुनः कराई जा रही है, ठीक है। शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने वाली है। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा जिसकी हम जानकारी देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन पदों में करीब 14 लाख लोग आवेदन किए थे, वो इसमें फिर से परीक्षा में बैठेंगे। इसके अलावा 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी 1557 पदों पर, ग्राम विकास अधिकारी 365 पदों पर, ठीक है, पर्यवेक्षक के 6400 पदों पर, कुल 1953 पदों पर भी जो पुनः परीक्षा है वो कराई जाएगी, जिसके लिए जल्द ही पूरा परीक्षा कार्यक्रम नए तरीके से जारी किया जाएगा और फिर इस पर आप नई परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ परीक्षा में कमियां पाई गई थी जिस कारण से परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त किया गया था और कुछ अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन अब अपडेट आ गई है, परीक्षा पुनः कराई जाएगी और लगभग जून के आसपास, जून के बाद ही ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसकी विस्तृत जानकारी पहले से हम आपको देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।